कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी को जिन्होंने मेरे साथ ये 10,000 स्टेप्स की जर्नी स्टार्ट कर दी है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पहले ही दिन आप 10,000 स्टेप कर लेंगे, पर ऐसे भी कुछ है जिन्होंने 2,000, 3,000, 5,000 स्टेप्स किए। इनफैक्ट बहुत सो ने 10,000 स्टेप्स चालू किए हैं, क्योंकि मैंने चालू किए हैं और ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और आप सबको इसलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही हूँ कि आप लोगों ने एटलीस्ट अपने हेल्थ के बारे में सोचा, और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, इसीलिए अभिनंदन। देखिए, पहले दिन करने में दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे बॉडी तैयार हो जाएगी। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, बोलेंगे, बोलने दीजिए, पर आप अगर अपने बॉडी के लिए अच्छा कर सकते हैं तो वो है हेल्थ एक्सरसाइज, एंड वो हमें करना है। जो हंस रहे हैं ना, वो हंसते रह जाएंगे और आप फिट भी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि समय गुजरने में टाइम नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं, जब हमने स्टार्ट की, यस, हम लोग एक्सरसाइज करते समय परफेक्ट नहीं दिखते, आई नो डैट। कुछ लोग आते हैं, हंसते भी हैं, कोई बात नहीं, वो लोग हंसते रह जाएंगे और हम कब में फिट हो जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर वही लोग आएंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे और सोचेंगे कि यार इनके साथ ज्वाइन कर लिया था, तो कोई नहीं, आपने ज्वाइन किया है ना, बस इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। अभी मैंने पूरा नहीं किया है, 2.5 किलोमीटर कंप्लीट किया है सुबह के समय, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, बचा हुआ शाम को करूँगी। और हाँ, अब थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। पूछे उससे पहले लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल, इसके बारे में मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, और बाल धोने के बाद ये लगाती ज़रूर हूँ। वैसे मैं आपको कुछ ना बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट्स बताना चाहती हूँ, जिन्हें मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ, बिकॉज़ उन्होंने हमेशा ही मेरे बालों पर बहुत अच्छा रिजल्ट जो है शो किया है। सो आप वो देख कर आइए, तब तक मैं थोड़ा सा अपने बेडरूम की जो हालत है गड़बड़ा गई है वो ठीक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल, जिन्हें मैंने अभी एक्चुअली स्टाइल किए हैं इन हॉट टूल्स की मदद से। और स्टाइल करने के बाद बाल अच्छे तो लगते हैं, पर आपको पता है कि इसमें ड्राइनेस एंड रफनेस बढ़ जाती है, क्योंकि ये हीट टूल्स होते हैं जो हमारे बालों का मॉइस्चर ले लेते हैं। बट स्टिल यू कैन सी कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी, सॉफ्ट एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके पीछे मैं कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगी। एंड मैम, आपको भी ये जितने भी प्रोडक्ट्स आज शेयर कर रही हूँ ना, वो हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये मेरे बालों पर सच में बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बालों को स्टाइल करने से पहले ये जो लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम है, इसे लगाया था। ये ऑयल हेयर टाइप से, बस बालों को मैं इसे एवरीडे लगाती हूँ, और मैं आपको बता दूँ ये इमीडिएटली बालों में एक शाइन, लश्चर ऐड करता है। उसी के बाद अगर बालों की झड़ने की समस्या है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हफ्ते में कम से कम एक बार, और अगर झड़ नहीं रहे हैं बाल तो भी नॉर्मली आप सभी को हफ्ते में एक दिन कोई हेयर मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास है गुड वाइब्स का अनियन हेयर मास्क, जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करता है, और ये पैराबिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, सल्फेट फ्री है। और ये अनियन हेयर मास्क है, इसका मतलब नहीं कि इसकी खुशबू अनियन जैसी आती है, इसकी खुशबू बहुत लाजवाब है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में आता है, बालों में इसे लगाना है साफ़ धुले हुए बालों में, एक घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद ये जो असर डालता है ना बालों में, ये बहुत ज़्यादा नरिशिंग है, और ये अनियन से बना हुआ है, अनियन रिच होता है सल्फ़र में, और सल्फ़र क्या करता है, बालों का झड़ना रोकता है, हमारे बालों को नरिश करता है, मॉइस्चराइजिंग माना जाता है। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन, ज़रूरी नहीं कि अनियन वाला ही इस्तेमाल करूं, पर गुड वाइब्स के जो भी हेयर मास्क मेरे पास है, अलग अलग है इनके पास वेरिएंट, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ट्राई करती रहती, यूज़ करती रहती, पर हफ्ते में एक बार मेरा पक्का है। उसके बाद आज मैंने अपने बालों के लिए गुड वाइब्स का ये जो एवोकाडो सॉफ्टनिंग शैम्पू है, इसे इस्तेमाल किया है। ये पैराबिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। मैं आपको बता दूँ, इस तरह के पैराबिन फ्री वाले शैम्पू अगर आप खरीदने जाते तो वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, बट ये गुड वाइब्स का शैम्पू बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, बहुत ही बजट में है। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, और हाँ,
ये बहुत 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 सॉफ्ट करता है बालों को। आप मेरे कहने पर इस शैम्पू को एक बार ट्राई करें एंड खुद आप बोलेंगे कि हाँ ये बालों को सॉफ्ट करता है। मतलब आप महंगे से महंगा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो बालों के लिए, इतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना ये देता है। एंड मैं इसे हाईली 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 रिकमेंड करती हूँ। और उसी के बाद हफ्ते में एक दिन मैं पसंद करती हूँ अनियन ऑयल लगाना, जब मुझे लगता है कि मेरे बाल थोड़े से झड़ने जैसे लग रहे हैं तब। बट अगर आपके बाल सच में झड़ रहे हैं तो आपको ये अनियन ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए गुड वाइब्स का। जैसे कि मैंने बोला, अनियन बहुत ज़्यादा रिच होता है सल्फर से, तो ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग होता है। इसमें कोकोनट ऑयल भी है जो हमारे बालों को अगेन अच्छा बनाता है। और हेयरफॉल कंट्रोल के लिए ये गुड वाइब्स का अनियन हेयर ऑयल बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके बालों में झड़ने वाली समस्या नहीं है तो आप डेफिनेटली इस तरह की जो गुड वाइब्स के कोल्ड प्रेस प्योर 100% वाले जो ऑयल्स है, लाइक कोकोनट ऑयल हो या फिर मेरे हाथों में यहाँ पर ऑलिव ऑयल देख सकते हैं, इन्हें ट्राई कर सकते हैं। दे आर ऑसम। सबसे अच्छी बात ये कोल्ड प्रेस्ड है और इन्हें लगाने से ना बालों में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैं देखती हूँ। मतलब जब मन ना हो ना कुछ और लगाने का, जैसे कौन सा तेल लगाओ क्या लगाओ समझ में ना आ रहा हो, तो बस ये सिंपल सा एक ऑलिव ऑयल निकालिए और लगा लीजिए रात में सोने से पहले। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ऑलिव ऑयल सिर्फ और सिर्फ नहीं लगाना चाहते तो उसमें कोई ना कोई इसेंशियल ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं देखिए गुड वाइब्स का ये जो टी ट्री है 100% प्योर इसेंशियल ऑयल, इसे रिकमेंड करूँगी। इसकी कुछ ड्रॉप्स आपको आपके ऑलिव ऑयल में डालकर बस लगानी है, मसाज करनी है। इससे क्या होगा, आपके बालों में अगर डैंड्रफ है या कोई इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें है टी ट्री। और टी ट्री क्या होता है, एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला इन्ग्रीडियंट होता है। सो टी ट्री के और बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो आप इस तरह से इसेंशियल ऑयल को अपने ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल हो चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, आप किसी भी ऑयल में इन इसेंशियल ऑयल्स को, बहुत सारे इसेंशियल ऑयल आते हैं गुड वाइब्स के, आप उनके वेबसाइट पर मतलब पर्पल पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मैं आपको इतना बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं इन्हें ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे इस्तेमाल करती हूँ एंड मैंने उनका रिजल्ट देखा है, इसलिए मैं आपसे इनके बारे में इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ। सारे प्रोडक्ट्स की जो परचेस लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। allpurple.com पर एज यू नो हमेशा ऑफर चलती रहती है, तो जो भी आप खरीदेंगे purple.com से नीचे दिए गए लिंक से, और हाँ मेरा कूपन कोड भी इस्तेमाल करिएगा जिससे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो जो भी आप खरीदेंगे आपको फ़ायदा ही होगा। सुनो ना, मैं खाने में करेला बना रही हूँ, चलेगा? अच्छी बात है ना, मस्त बना बना। कलौजी खाओगे कि सूखी सब्जी? कुछ भी बना दो, आई विल ईट एवरीथिंग। अम्मा ने कलौजी बोला था, चलो कलौजी बना दे। तो नहा लो ना, हीरोइन बनके क्यों तैयार हो गई? जाकर नहा लो। तो करेले की कलौजी बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जमा करनी पड़ती है। लहसुन खूब सारा होना चाहिए, सॉफ्ट घना मस्त है। और काफ़ी बार वैसे मैं दिखा चुकी हूँ, पर चलिए एक बार फिर से दिखाती हूँ उन सब के लिए जिन्होंने ये रेसिपी मिस कर दी है। और मेरे कहने पर एक बार करेले की कलौंजी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये गई सॉफ्ट, सारे जो भी ड्राई मसाले हैं उन्हें मैं रोस्ट कर लूँगी। इसी में धना, इन दोनों को अच्छे से लगभग एक मिनट में ही रोस्ट कर लूँगी। तो ये है कलौंजी, जो प्याज के बीज होते हैं उसे कलौंजी बोलते हैं जिन्हें नहीं पता। इसे भी अच्छे से मैं रोस्ट करती हूँ। तो एक ही हरी मिर्च डालूँगी, लहसुन खूब सारा, कलौंजी, इसमें अजवाइन भी पड़ता है पर मुझे अजवाइन का जो स्वाद है थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, आमचूर, ये मस्ट है, इसके बिना अच्छी नहीं लगती, स्वादानुसार नमक। तो ये टिश्यू रोल भी ख़त्म हो गया, किचन टिश्यू, इसे भी यहाँ पर खोल देती हूँ। ये पहला वाला ना हमेशा मेरा ख़राब हो जाता है। कैसे लग रहा, खराब ही आया
चलो बाद में जब इस्तेमाल होगा रख देती। तो करेले को कुछ इस तरह से मैंने काट लिया, थोड़ा स्पेस कर दिया है। इसके अंदर की चीज़ें चाहे तो निकालो या तो ना निकालो, पर मैंने थोड़ी निकाल दी है क्योंकि आजकल मुझे ऐसा वाला करेला ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। और बस इसे भर देते हैं। तो यहाँ पर तेल, और उसी तेल में बस इसे करेले को रख देना है। और इसे पूरी तरह से कोट करना है, पहले थोड़ा देर यहाँ से, फिर इसे इस तरह से, और हल्का सा नमक ऊपर से मैं छिड़क दूंगी, अभी नहीं, थोड़ा ये कुक हो जाए। और फिर तो ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छे से हर तरफ से इसे भून दिया है। अब ये तैयार है, सॉफ्ट हो गया है, उसके ऊपर की ये जो शेल है ये सॉफ्ट हो गई है। तो सब्जी तो आपको पता बनी गई है, अब मैं थोड़ा दाल फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से दाल फ्राई नहीं बनाया। वैसे हमारे घर में सबको प्लेन दाल पसंद होती है ना, इसलिए हम लोग दाल फ्राई वगैरह नहीं बनाते, पर करेले की सब्जी के साथ दाल फ्राई होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा सादा खाना हो जाएगा। चम्मच। चलिए फिर घी के तड़के लगाते हुए दाल फ्राई। ये देखिए राई, लहसुन, मिर्ची, तो ये देखिए प्याज टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैंने डाल दी है ये दाल। तो थोड़ा और मैं तड़का लगा रही हूँ लाल मिर्च का, क्योंकि मुझे ना वो लाल लाल तड़का ऊपर दिखना चाहिए, आज वैसी वाली दाल खाने का मन कर रहा है। तो घी उबलने को रखा है, उबलने मतलब गर्म होने के लिए। ये गई लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से धना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसे गरम कर लेती हूँ। और ये लगा तड़का। तो इस साल तो देखो प्रेस वाले भैया ना आ सकते हैं, ना उन्हें कपड़े दे सकते हैं इस साल, मतलब 2020 तो मेरा प्रेस करते ही निकलने वाला है लग रहा है। कुछ मैंने हमने बिना प्रेस के कपड़े पहने पर चमक चली जाती है कपड़ों की, मज़ा ना नहीं आता है। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा मेहनत लगेगा पर प्रेस करके ही पहना करेंगे कपड़े। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे चार पांच जम जाते हैं तुरंत प्रेस मार देती हूँ, ज़्यादा नहीं जमने देती हूँ, तो उसी बहाने कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं पहनने में। खाना भी बन गया, इसके पापा बस नहा कर आ जाए फिर हम खाना खाते हैं। मेरे को तो कभी साथ में परेशानी भी होती है, ये मास्क पता पहनने के बाद ऐसा लगता है कि दम घुट गया है। वो हम लोग जो कॉटन के मास्क खरीदे, मुझे यही मास्क, जबकि मुझे तो सांस का वो है तब, लेकिन इसमें सबसे अच्छा है। हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो सोचा कि थोड़ा सा मतलब संडे है, थोड़ा फ्रेश होकर आए, क्योंकि बाहर गए हुए हमें 2 महीने से ऊपर हो गया। याद है आपको लास्ट टाइम कब गए थे? तो आज इसलिए सोचा, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है ना, नहीं तो ये राज पीछे पड़े कि यही वाला मास्क पहनो। मैंने इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मास्क मंगवाए थे, मम्मी ने मेरे लिए इतना सुंदर सुंदर दिलाया है, सिलवाया। और ये इतने फनी मास्क है, आप खुद देखो, ये देखिए चिड़िया की तरह दिखते हैं। ऐसे करेंगे ना चुभेगा। हाँ चुभेगा। हाँ
और राज की जिंदगी यही मास्क पहनकर चलना है। नहीं कवर हो जाता है उसके सब कुछ ना। कवर क्या, हवा भी अंदर नहीं आती है। तो गोल रखना चाहिए था ना, ऐसे क्यों रखा? हाँ ऐसे क्यों रखा? इसीलिए रखा कि हवा अंदर रहे, गैप ज्यादा दिया है, नाक से दूर है ना, टच नहीं है, कैसे तुमको हवा नहीं मिल रही है? मिल रही है पर थोड़ा इसमें सा। नाक से बल्कि दूर है। अब मैं लिपस्टिक लगाने जा रही थी, फिर याद आया कि जब मास्क ही लगाना है तो काई की लिपस्टिक के डिब्बा में लगा दिया थोड़ा सा। मेरा देखो आई की चैलेंज है। हम लोग एक्साइटेड, देखिए इतने ज़्यादा है कि राज अभी खाना ही खा रहे हैं, उससे पहले ही हम लोग मास्क लगा कर तैयार है, क्योंकि वो नहीं बचपन पर इसमें ये दिक्कत है यार, ये ऐसे निकल के इधर ही लगेगा, फिर ऐसा लग रहा। अरे जब नहीं पहनना है। अच्छा ऐसा है क्या? अरे पर मैंने तो बांधा है ना, फिर मैंने उसकी पोनी में ही बांध दिया। बांध के दिया उसको, गांठ देके छोटा कर दिया। रुक नीर बेचारी निकाली नहीं। अरे पापा ये तो तो मैंने अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने भी मेरे साथ किए हैं तो बस मुझे टैग कर दीजिए इंस्टाग्राम पर एंड शो मी योर डेटा एंड मैं रिपोस्ट करूँगी। और जिनके पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं है वो 7-8 किलोमीटर चल ले, 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। अगर आप मोबाइल को अपने जेब में डालकर भी चलेंगे तो आपके वो जो हेल्थ वाले ऐप होते हैं, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है। डोंट वरी कि आपको स्मार्ट वॉच ही चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास आजकल तो स्मार्ट मोबाइल होगा तभी आप मेरे को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, तो हो जाएगा, डोंट वरी। और क्या बोलते हैं कि मैं मम्मी के घर जाने वाली थी, पर मैं बहुत जल्द आपको एक बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। अब नहीं बता पाऊँगी, थोड़ा सा समय लगेगा। और क्या होगा ना कि अगर मैं अभी बता दूँगी तो आप मुझे एवरीडे पूछोगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, उससे अच्छा कि मैं आपको थोड़े दिन बाद ही प्रॉपर न्यूज़ बताऊँगी। तो थोड़ा शांत रहिएगा, कुछ दिनों के बाद आपके पास एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है। और दूसरी बात, सांस फूल गई, थकी हुई वैसी ही हूँ। अब जा रही हूँ अंडा करी बनाने, पर पहले नहाऊँगी क्योंकि बिना नहाए नहीं हो सकता। ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, आगे नहीं लेकर जा पाऊँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ अच्छे से एनर्जी के साथ। और बस अगर आप मुझे देखकर अपने 10,000 स्टेप एवरी डे कर रहे, इससे ज़्यादा खुशी के बाद सच में मेरे लिए नहीं है। अपने लिए आज लाइक करिएगा, अगर आपने मेरे साथ किया है अपने लिए लाइक करिए। कोई नहीं है मोटिवेट करने के लिए, मैं हूँ ना आपकी किरण, आई विल मोटिवेट यू। बस आप स्टार्ट करिए एवरी डे थोड़ा थोड़ा, हो सकता है तो कर लीजिए 10,000 स्टेप्स। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, जस्ट जॉइन दी जर्नी एंड एंजॉय। बाय, टेक केयर।